Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss polynomial. तो दोस्तों polynomial में मैं first point polynomial chapter polynomial syllabus first point मैंने discuss किया introduction to polynomial. Okay? And second point है degree of the polynomial. तो हम लोग degree of polynomial आज discuss करेंगे. तो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस कर चुका हूं, जिसके दो वीडियो मैंने आपको सेंड कर दिया हूं. आज टुडे डिस्कस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, तो आइए हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ते हैं. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल. और हम लोग प्रीवियस वीडियो में द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल हम लोग स्टडी कर चुके थे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं. तो आज टुडे डिस्कस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल. एक से ज्यादा अगर किसी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन होंगे या एक से ज्यादा वेरिएबल किसी पॉलिनोमियल में होंगे तो उसकी डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे. टुडे डिस्कस उसी पॉइंट पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो उनकी डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे. तो टुडे डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल. तो एक से ज्यादा वेरिएबल के लिए आते हैं. तो देखिए मैंने पॉइंट वन लिया है, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म सो ऑब्टेंड. ओके, तो अगर अगर एक से ज्यादा किसी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल है या एक से ज्यादा किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल है तो हमने बोला है कि हाईएस्ट सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म सो ऑब्टेंड. सारे प्रत्येक टर्म के जो वेरिएबल होंगे उनके पावर को हम सम करेंगे और जिसका पावर का सम ज्यादा आएगा ईच टर्म से तो वो टर्म का जो पावर होगा वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा. चलिए वो तो ठीक है, हम आते हैं एग्जांपल से समझते हैं. एग्जांपल द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. देखिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है एक्स और वाई वेरिएबल, इसमें एक्स भी वेरिएबल है ना वाई भी वेरिएबल. तो क्या है, एक्स के पावर 3 वाई के पावर 6 प्लस 3x² y + 3xy² प्लस एक्स वाई के पावर 6. दिस इज द पॉलिनोमियल, या ये पॉलिनोमियल है. अब हम सारे टर्म का अगर सम करेंगे तो इन दोनों टर्म के पावर का सम करेंगे तो 3 प्लस 6 9, इसका अगर पावर का सम करेंगे 3 प्लस 1 2 प्लस 1 3. यहाँ पर पावर का वेरिएबल के पावर का सम करना है तो यहाँ पर x के पावर 1 है y के पावर 2 है तो यहाँ भी 3 हो गया, प्लस यहाँ y सिर्फ है तो y के पावर 6 है. तो सबसे ज्यादा पावर किसका है, इस टर्म का. इसका इन दोनों पावर को सम कर रहे हैं तो 6 3 प्लस 6 9 हो रहा है. तो इस जो पॉलिनोमियल है दिस पॉलिनोमियल इसकी डिग्री कितनी होगी, 9 इज 9. ओके, क्योंकि इनका पावर को सम किए थे. यहां मैंने लिखा हूं द सम ऑफ द पावर ऑफ एक्स एंड वाई इन द टर्म एक्स के पावर 3 वाई के पावर 6 इक्वल इज, हमने लिखा 3 प्लस 6 इक्वल टू 9. तो इसका इन दिस एलजेब्रिक दिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर किसका है, तो दिस टर्म का. तो डिग्री क्या होगा, डिग्री इज 9, हाईएस्ट सम जो आएगा वही डिग्री होगा. तो दिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 9. तो 3 प्लस 6 इक्वल टू कितना, 9. द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 9.
तो आपको समझ में आया ना कि अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो उनकी डिग्री डिफाइन करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ईच टर्म का सम हम करेंगे, किसका पावर का सम करेंगे, और जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा तो वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है, मीन दिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमने इसका सम किया तो 9, इसका सम किया तो 3, इनके पावर का सम किया तो 3 और इनका 6, लेकिन यहाँ 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, बट यहाँ पर 9 है, तो दिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 9। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 9। ओके, तो हमने आपको बताया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल के लिए, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल और वेरिएबल वन वेरिएबल के बारे में बताया। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, तो इस तरह से हमने आपको डिग्री के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ब्रैकेट में क्या है, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, तो किसके बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे, डिग्री पर, तो टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री पर बेसिस पर हम पॉलिनोमियल डिफाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री वन होगी, वन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो फॉर एन एग्जाम्पल हमने लिखा 3x प्लस 7 कॉमा 21y। ओके, 21y हो गया, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, वन। किसकी डिग्री चेक करते हैं, वेरिएबल का, इस वेरिएबल का पावर कितना है, वन, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, वन। इस वेरिएबल का पावर कितना है, वाई के पावर कितना है, वन, तो इसकी भी डिग्री वन हो गई। तो हमने नोट करके लिखा, नोट द जेनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ax प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो जेनरल फॉर्म जो होगा पोलिनोमियल का, ये जेनरल फॉर्म होगा लीनियर पोलिनोमियल का, ये जेनरल फॉर्म ax प्लस बी, तो यहाँ देखिए x है, x का पावर कितना है, वन है, तो ax प्लस बी ये जेनरल फॉर्म ऑफ द वन वेरिएबल पोलिनोमियल। वेयर यहाँ भी बताया, वेयर ए एंड बी क्या है, आर कॉन्स्टेंट्स और रियल नंबर भी बोला जाता है, किसी किसी बुक में रियल नंबर भी बोलते हैं, तो ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ बोला ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों बोला ए नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ए यहाँ जीरो हो जाएगा तो आपके पास बी बचेगा सिर्फ, अब बी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म, इसलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए। आइए सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री टू इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री टू होगी उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल 4x² माइनस 5x प्लस 4 कॉमा 5y² प्लस 6x माइनस 2, राइट। अब देखिए ए पॉलिनोमियल किस में वेरिएबल है, एक्स में वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर कितना है, टू, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, टू, तो इसको हम कौन से पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल किस में वेरिएबल है, वाई में, तो वाई के हाईएस्ट पावर कितनी है, टू, तो ए हाईएस्ट पावर टू है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, टू हो गई, तो इसको हम कौन से पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए स्टूडेंट आपको फोकस क्या करना है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए पॉलिनोमियल की, डिग्री टू होनी चाहिए, अगर एनी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री टू हो जाएगी तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, आइए नोट करके भी मैंने यहाँ पर लिखा है, नोट नोट में लिखा है द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज,
किस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी, जीरो नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉमा लगाया। अब ये वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल किस में वेरिएबल है, एक्स में वेरिएबल है, इसके हाईएस्ट पावर कितनी है, टू है, तो ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, ए ए नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म है ये, इसी को हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बार बार को ध्यान रखिएगा। और क्या कंडीशन है, वेयर मीन्स कंडीशन क्या है, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स और ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल एंड देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट क्या होता है, ये सारे पॉलिनोमियल हम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में आपको डिग्री कितनी होनी चाहिए, अगर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री थ्री होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी डिफाइन करना है, थ्री, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, थ्री होनी चाहिए, राइट। एंड देन फॉर एग्जाम्पल हमने पॉलिनोमियल लिख रहे हैं वाई के पावर थ्री माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस 15y माइनस वन कॉमा फोर एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स स्क्वायर होना चाहिए, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स टू माइनस टू एक्स दिस, तो देन फोर एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव। तो ये आपका, अब देखिए ये पॉलिनोमियल किस में वेरिएबल है, दिस पॉलिनोमियल वेरिएबल इन y एंड दिस पॉलिनोमियल वेरिएबल इन x। तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट, फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, थ्री, y के पावर थ्री है, तो इस पॉलिनोमियल के कौन से पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर चेक करते हैं, जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, थ्री है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिस पॉलिनोमियल इज आल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल और दिस पॉलिनोमियल इज ए वेरिएबल इन x, ए एक्स में वेरिएबल था और ए पॉलिनोमियल वाई में वेरिएबल था। अब इस वेरिएबल का पावर चेक करेंगे तो इस सेकेंड वाली जो पॉलिनोमियल है जो एक्स में वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर आपको थ्री है, तो हाईएस्ट पावर थ्री है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, थ्री हो गई, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आइए हम लोग नोट में देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज ए एक्स के पावर थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी डी आर कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स और ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, जो कंडीशन सही है ए नॉट इक्वल टू जीरो और ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट या रियल नंबर होना चाहिए। तो जो जो जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ए आपको दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए पॉलिनोमियल किसमें वेरिएबल है, वेरिएबल इन एक्स। अब इस वेरिएबल के पावर कितना है, एक्स के पावर थ्री, एक्स के पावर टू, एक्स के पावर वन, एक्स के पावर जीरो यहाँ हो गया। तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, तो हाईएस्ट पावर इसकी थ्री है, इसकी डिग्री कितनी हो गई, थ्री हो गई, तो हाईएस्ट पावर जो होता है पॉलिनोमियल की वही इसकी डिग्री है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे रिलेटेड सम सॉल्व करेंगे। तो ओके बाय, थैंक यू।